स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में विधायक ने किया अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन। विद्यालय परिसर में किया वृक्षारोपण। सितारगंज के युवा लोकप्रिय विधायक सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फॉर्म स्थित जेल कैंप के राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर में किया अटल उत्कृष्ट विद्यालय का विधि विधान से उद्घाटन। विधायक सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड के लोक पर्व हरेली की क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए हरियाली के प्रति हरेले में विद्यालय परिसर में फलदार व छायादार वृक्ष लगाया। आपको बता दें कि विधायक सौरभ बहुगुणा के अथक प्रयासों के बाद सितारगंज के शक्ति फॉर्म स्थित जेल कैंप राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर का अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयन हुआ है। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अब गरीब निर्धन के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से कम खर्च में उच्च व आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। वैश्विक पटल पर अंग्रेजी भाषा के महत्वता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में योग्य आधुनिक गुणवत्ता वाले शिक्षक तैनात होंगे। विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। अटल उत्कृष्ट कॉलेज में कन्वर्ट किया गया है और पूरे क्षेत्र को बधाई देता हूँ। पूरे सितारगंज ब्लॉक में सिर्फ दो कॉलेज आए थे, जिसमें एक भिष्टी बना है और एक हमारा रुद्रपुर इंटर कॉलेज बना है। आज हमारा जो रुद्रपुर इंटर कॉलेज है वो CBSE बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा और उनकी फीस जो है वो वही पुरानी सरकारी फीस है, कोई फीस में बढ़ोतरी नहीं करी जाएगी। और मैं केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे निवेदन पे सितारगंज ब्लॉक को एक दो ऐसे अटल उत्कृष्ट विद्यालय दिए गए हैं। और सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को और सारे क्षेत्र को बधाई देता हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। किसी भी काम को मैं आप जाएंगे करने, आज इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सबको आनी अनिवार्य है। यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे और कहीं ना कहीं उनका भविष्य और सुनहरा होगा। इसकी उम्मीद के साथ मैं क्षेत्र को बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं।